वेलकम टू लेडीज क्लब. दिस इज योर होस्ट माधुरी और आज मैं फिर आई हूँ एक और लेडीज क्लब के बीच. जी हाँ, आज मैं पहुंची हूँ महिला जागृति संगठन के बीच. देखते हैं यहाँ पर कितनी मस्ती होने वाली है. तो महिला जागृति संगठन के बीच में मैं हूँ. बहुत हंसते खिलखिलाते चेहरे मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं. पहले तो आप आ जाइए, ये बताइए कि महिला जागृति संगठन ये नाम कितना जस्टिस करता है आपके क्लब के नाम के साथ या जिस इस गैदरिंग के नाम के साथ. कितनी जागृति फैलाई है आपने. महिलाओं को जगा रहे हैं हम लोग एंटरटेन करने के लिए. घर में बैठी बैठी बहुत बोर हो गई है. सालों से सदियों से बोर हो रही हैं औरतें. तो निकलो, थोड़ा जागृति लाओ, हंसो और हंसाओ. अच्छा, यहाँ आके क्या मजा आता है. यहाँ पे आपस में सब घुलते हैं, मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, मस्ती करते हैं आपस में. और घर में डांस नहीं कर सकते. घर पे नहीं होता इतना डांस. जो आप अपने अपने संघ के लोग होते हैं उनके संग बहुत अच्छा लगता है. क्लब में आओ, अपना फंक्शन करो, कुछ भी नाचो का धूम मचाओ. अच्छा, तो धूम मचाने कोई ये नहीं सोचे कि हम सास है, कोई ये नहीं सोचे कि हम बहू है, सब एक साथ मिलके रहो. मैं एक्चुअली वर्किंग लेडी रही हूँ और मैं रिटायर्ड हूँ अभी. तो 10 साल पहले सबने कहा हमको भाई आप लोग इतनी किटीज में जाती है, सब कुछ करती है, हम सब हाउस वाइफ है तो हमारे लिए भी तो कुछ करो. आप तो कहती हो आज मैं किटी जा रही हूँ, आज मैं फलाना कर रही हूँ. जब हम कभी मिले तो आपस में जैसे पिकनिक स्पॉट पे भी जाते हैं और इस तो गेट टुगेदर करते हैं, एंजॉय करते हैं. और जैसे शनिवार हमने फिक्स किया हुआ पर मंथ राय. और आपसे बोले कि एक एक विश कोई है ना, तो क्या विश होगी. अ पार्ट ऑफ फैमिली की खुशियां एंड ऑल, प्लीज अपने लिए प्लीज. मैं बस यही विश करूंगी कि जो हमारा संगठन है और ये जिस तरह से मस्ती करता है, गाता है, नाचता है, उसी तरह से हम लोग सब एक दूसरे का साथ लेके और ऐसे ही मस्ती करते रहें. ये होगी कि मेरा बचपन वापस से लौट के आ जाए, मैं खूब मस्ती करूँ, कोई टेंशन नहीं, खूब मस्ती. बचपन या जवानी. नहीं, जवानी नहीं, बचपन. कोई टेंशन नहीं हो. एक्चुअली मेरी विश तो यही है कि मेरी सारी विशें पूरी हो जाए. अच्छा, स्मार्टनेस. स्मार्टनेस इसे कहते हैं, मतलब एक विश मांगूंगी कि सारी विश पूरी हो जाए. चलिए, थैंक यू सो मच. अगर औरत को मतलब बदनाम होती हैं औरतें इस बात के लिए कि बहुत बोलती हैं, है ना, टॉकेटिव होती हैं. अगर एक दिन के लिए उन्हें चुप कर दिया जाए या उनकी जो जबान होती है वो बंद कर दी जाए तो क्या सिचुएशन. ये तो विश होनी ही नहीं चाहिए कि उन्हें कहा जाए एक दिन के लिए या एक घंटे के लिए कि भाई चुप हो जाइए. इम्पॉसिबल है. और ये कहना भी मत माधुरी किसी से प्लीज. मैं नहीं कह रही, अगर अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो. सिचुएशन ऐसी हुई तो करती हैं. देखा, उर्मिला जी ने जवाब बताइए. बताइए, आ जाइए, आप आ जाइए. अगर भी बोलेंगे ना तो अंदर दम घुटने लग जाएगा. मतलब उससे पॉजिटिव क्या रहेगा और नेगेटिव क्या रहेगा, किसके लिए पॉजिटिव होगा. घर वालों के लिए. भगवान का नाम लेते रहेंगे और क्या होगा. वो कहेंगे कि बला चली, कम से कम आज तो चुप हुए. थैंक यू. आपको बोले कि एक दिन चुप रहो. नहीं, चुप नहीं रहा जाता, बिल्कुल भी नहीं रहा जाता. औरतें चुप नहीं रह सकती. मतलब ये फैक्ट है और ये फैक्ट ही रहेगा कि औरतें चुप नहीं रह सकती. चुप नहीं रह सकती. अगर औरत को एक दिन के लिए चुप कर दिया जाए तो पूरे घर में शांति हो जाएगी. घर में शांति हो जाएगी. मतलब औरतें अशांति फैलाती हैं. गलत बात है. मतलब औरतें अशांति फैलाती हैं. नहीं, शांति नहीं, मतलब मोहन जैसा हो जाएगा ना कि आज क्या हो गया. बोल मतलब मतलब शांति हो जाएगी. यार कोई नहीं, मैं समझ गई. चलो ठीक है, आप बताओ, आप बताओ. आप अगर ऐसा हो कि एक दिन के लिए चुप हो जाए तो क्या होगा. क्या होगा, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है. दोनों कैसे. नुकसान दोनों ऐसे हो सकती है कि नुकसान तो नहीं बोलेंगे तो कोई बोलेगा ये पता नहीं गुस्सा रहा है, इसको क्या हो रहा है, क्यों नहीं बोल रही है ना. ज्यादा बोलते तो वैसे ज्यादा करती है, दिमाग खा गई. ये तूफान से पहले जो आने वाली शांति होती है ना वही होगी. अगर मैं चुप हो गई तो उसके बाद जो तूफान आएगा उसका कौन भुगतेगा. सारी दुनिया को भुगतना पड़ेगा. अगर एक दिन के लिए चुप हो गए सबसे ज्यादा तो बच्चों को बहुत लगेगा कि अरे वाह, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, कुछ बोलेंगे नहीं. पतिदेव कुछ नहीं बोलेंगे. आप पतिदेव तो कुछ नहीं बोलेंगे, पर बच्चों का सबसे ज्यादा इन्जॉयमेंट होगा. मन में आएगी जो करेंगे वो. एक विश मांगी है तो क्या ख्वाहिश है आपकी, क्या विश मांगेंगे. फैमिली की खुशी वुशी ये सब डिप्लोमेटिक आंसर मत देना, मत देना. इसके अलावा कुछ. विश्व में शांति हो सारी दुनिया में. हे भगवान, औरतें और विश्व में शांति दोनों ही. औरतों की वजह से संसार टिका हुआ है. बोलो यार, ये बहुत डिप्लोमेटिक. ऑल ओवर ये विश्व. विश्व पता नहीं कहाँ से आप अपने लिए मांगो यार. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. हमने अपने लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा है, सभी के लिए मांगना चाहिए. औरतें और अपने लिए ना मांगे. नहीं, ऐसा मेरी तो यही थिंकिंग है कि मैं नहीं मांगूंगी कभी. मैं सोचूंगी सबके लिए ही सब कुछ अच्छा. अच्छा, मेरी विश रहेगी कि बस जब भी मौका मिले
तब मस्ती करूं। अच्छा मस्ती करूं। हाँ उसके अलावा कुछ नहीं। और उसके अलावा क्या चाहिए? बाकी तो पीछे परिवार है ना। बाकी जिम्मेदारियां संभाल। बाकी जिम्मेदार लोग हैं हमारे पीछे, बस अपने लिए तो ये है कि जब भी मौका मिले तब उसको चुरा ले मौके को। एक्चुअली मेरी विश है कि मैं एक दिन की प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। ख्वाहिशें सबकी हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा अच्छा एक दिन के लिए सलमान खान के साथ डेट पे जाना है, ये विश होगी एक्चुअली। और सबकी विश यही होगी कि जो उनका फेवरेट है। कतई नहीं, डेट पे जाने का मतलब ये नहीं होता कि हम खान हो जाएं। डेट पे जाने का मतलब है कि मैं डेट पे जाऊंगी उसके साथ। ऐसा बोला जाता है कि जब बचपन के दिन फिर से आते हैं, जवानी के दिन जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर एक दिन के लिए आपको फिर से जवान बना दिया जाए तो क्या ख्वाहिश होगी? जवान बना दिया जाए तो क्या करे भाई, सबके साथ मस्ती और क्या। आप वो तो अभी भी कर रहे हो। वो मतलब बुढ़ापे की मस्ती, जवानी की मस्ती सब होनी है उस समय। अलग कैसे होगी? की दोस्तों के साथ अलग ही होगी, कॉलेज की स्कूल की अलग ही मस्ती होगी। अगर उसी उम्र में ला दिया जाए तो खूब मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। हाँ। हस्बैंड के साथ हनीमून मनाएंगे। अरे वाह, हस्बैंड के साथ हनीमून मनाएंगे आप? थैंक यू। बताइए, बचपन में तो शादी हो गई, जल्दी बूढ़े हो गए, पता नहीं जवानी अब आएगी तो पता चलेगा क्या जवानी है। अरे वाह, ये तो मतलब उल्टा ही हो गया। चलिए थैंक यू सो मच। यहाँ औरतें बहुत खतरनाक हैं, इनसे बात करना, इनसे इनके जवाब। आप बताइए। मैं तो अभी भी जवान हूँ, फिर से जवानी कहाँ से आएगी? मैं तो खुद जवान हूँ। मैं तो अभी जवान हूँ, बुढ़ी कहाँ हुई? मतलब अरे यार गलत, मैंने गलत क्वेश्चन कर लिया। अगर आप कभी तैयार होके निकलती हैं ना घर से, तैयार होके निकलती हैं, जैसे आप तैयार होके निकली हैं, तो आपके भी जवान हूँ, बुढ़ी कहाँ हुई? मतलब अरे यार गलत, मैंने गलत क्वेश्चन कर लिया। अगर आप कभी तैयार होके निकलती हैं ना घर से, तैयार होके निकलती हैं, जैसे आप तैयार होके निकली हैं, तो आपके हस्बैंड अगर आपको नोटिस करते होंगे, कॉम्प्लीमेंट देते होंगे, है ना? जब नहीं देते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? नथिंग। अगर वो मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा। और फिर आप, फिर मैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दे लेती हूँ। और तो सब खुद के लिए खुद ही कर सकती है। आप बताइए। मैं तो बस यही कहूंगी कि आया एक बार आप देख नहीं सकते मेरी तरफ। हाँ, और अगर उन्होंने कहा अरे तो क्या हो गया, अरे मैं तैयार खड़ी हूँ, जरा एक बार एक नजर तो डाल के देखो। जब तैयार होके निकले और वैसे सब नोटिस करते हैं, नहीं करे तो? नहीं करे तो मैं खुद पूछ लूंगी कि आज मैं कैसी लग रही हूँ, बताओ तो। और फिर भी वो मतलब उतना नहीं करे तो कोई टेंशन नहीं है, जाओ तुम नहीं करो तो कोई बात नहीं। बच्चों से पूछ के खुश हो जाएंगे। बच्चों से पूछ के खुश हो लूंगी। नहीं कोई भी कह देगा। हाँ, कोई भी। अच्छा कोई भी कह देगा चलेगा? हाँ, उसमें क्या? चलो चलो, मतलब ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो लेडीज हैं फुल ऑन मस्ती के मूड में आती हैं। सुंदर कांड यहाँ पर होता है, लेकिन उसके बाद भी जो मस्ती है वो इनकी चालू रहती है। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद इस मस्ती को और कुछ आगे बढ़ाएंगे। खबर का कोई वक्त नहीं होता, खबरें कभी पता कर नहीं आती, कई बार खबर दबी पाव आती है तो कभी खबर को ढूंढ कर निकालना पड़ता है। मरुधरा पर रोज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। प्रधानमंत्री जनधन योजना एक पहल है सबको बैंकिंग से जोड़ने की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। खाता हमने खुलवा लिया, उस खाते खुलवाने से बहुत लाभ है क्योंकि हम किसी भी एटीएम से कभी भी हम पैसे निकाल सकते हैं। यही नहीं है मेहराज, इस खाते से तुम्हें 1,00,000 रुपए तक का दुर्घटना बीमा भी मुफ्त मिलता है। आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवा कर इससे फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। हैप्पी न्यू ईयर विद आयुर्विन न्यूट्रीगेन, स्टाइलिश स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्विन न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। प्रदेश की हर खबर चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक JK टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स,
क्लब, मैं हूँ महिला जागृति संगठन के बीच और अब मैं यहाँ पे खेलने वाली हूँ कुछ गेम्स, देखते हैं कौन जीता है। आप आ जाइए मेरे साथ और आइए, आप आ जाइए, विश्व का कल्याण करेंगे हम लोग यहाँ पर अभी। मुझे याद रहेगी आंटी ये बात आपकी। चलो ठीक है, गेम ये है, आप दोनों में से कौन जीतता है ये देखने वाली बात होगी। कौन जीतेगा बताइए? कोशिश करेंगे, पहले ही जीतने की कोशिश करता है। हाँ वही तो, विश्व का कल्याण हो रहा है, सब सब जीतेंगे। ठीक है, आपको करना ये, मैं एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ आपको, वो आपको चार बार बिना फंबल के बोलना है। टंग ट्विस्टर है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। आप बताइए, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। थोड़ा सा बेखड़क सॉरी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क अटक गई ना, चलिए दोनों ही नहीं जीत पाए, थैंक यू सो मच। आप बैठिए, खड़क सिंह से खड़कने से खड़कते खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क गया वो, आप बताइए। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। चलिए चलिए, थैंक यू सो मच। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मतलब एक एक कोई विनर जरूर निकल गया इस गेम में मेरा, थैंक यू सो मच। चलिए बैठिए, तो अब मुझे गेम चेंज करना होगा क्योंकि कोई ना कोई तो इस गेम को जीत ही गया है। गेम ये है कि आपको दो वर्ड दे रही हूँ मैं, सास और साग। ठीक है, एक मिनट का डिस्कशन करना है, डिस्कशन नहीं, एक मिनट आपको सास और साग को कोरिलेट करके बोलना है। सास और साग, कोई भी बात बोलेंगी आप सास और साग पे ही होनी चाहिए, मतलब कि दोनों को कोरिलेट करना है, सास और साग को। एक मिनट आप बोलेंगी और एक मिनट आप बोलेंगी, दोनों में से जो जितनी बार कोरिलेट कर पाया वो इस गेम को जीतेगा। ठीक है, शुरू करें। चलिए, सास ने बोला साग बना, तो अब सास के लिए साग बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो सास नाराज हो जाएगी और साग अच्छा नहीं बना तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। तो साग को तो अच्छा बनना ही पड़ेगा क्योंकि सास को खाना है। सास को चाहिए साग के साथ मक्के की रोटी, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है। तो साग बनाऊंगी सरसों का और सासू जी को राजी कर दूंगी, सासू जी राजी हो जाएगी साग खा के, तो मुझे कुछ ना कुछ तो ज्वेलरी मिल ही जाएगी। यही अदा है सास और साग की, कि साग सर्दियों में अच्छा लगता है और सास हमेशा अच्छी लगती है। अरे लेकिन एक मिनट नहीं हुआ, एक मिनट नहीं हुआ अभी अभी। अगर सास को साग अच्छा नहीं लगा तो माधुरी साग अच्छा बनाना सीख जाना, क्योंकि सास तुम्हें भी मिलने वाली है अभी, नहीं तो कभी तो मिलेगी और कहेगी कि साग ही खाऊंगी माधुरी। तो सास के लिए साग बनाना सीख ही लेना। अरे वाह, मतलब 12 टाइम्स शी स्पीक सास एंड साग और बहुत अच्छे से कोरिलेट किया, मुझे फंसा दिया बीच में। सास को बनाना चाहिए साग, बहू को साग अच्छे से बनाना चाहिए, नहीं तो घर वाले नाराज हो जाएंगे, साग नहीं आएगा। चलिए, आपकी सास आ गई यहाँ पे, बहू रानी जीत गई है। चलिए अभी देखते हैं कौन जीतता है इनमें, सास और साग को कोरिलेट करना। अगेन सासू जी को साग अच्छा लगता है, मुझे साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, साग को साफ करने में इतना टाइम लगता है, सासू जी नाराज हो जाती है, साग बनाती हूँ तो कभी जल जाता है, सासू जी कभी गुस्सा करती है, साग कभी अच्छा बनता ही नहीं है मुझसे, तो साग हरा होता है और सासू जी भी हमेशा हरी हरी रहती है क्योंकि वो बहुत गुस्सा करती है, मुझे सासू जी भी अच्छी नहीं लगती, कभी साग भी अच्छा नहीं लगता। जब सासू जी साग खाती है तो कभी जब तारीफ करती है तो मुझे सासू जी बहुत अच्छी लगती है, सासू जी अच्छी लगती है या साग अच्छा लगता है मुझे नहीं पता, लेकिन साग और सासू जी दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है।
सासू जी ज्यादा अच्छी है या साग ज्यादा? जब साग को साफ करती हूँ तो साग साफ करते करते ना मेरी उंगलियां दुखने लगती है, ऐसे ही सासू जी काम करती है और मेरे हाथ दुखने लगते हैं। सासू जी और साग, ये भगवान कभी किसी को साथ साथ ना दे, या तो साग ही दे दे या सासू जी ही दे दे। सासू जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये बहुएं बड़ी भारी है आपकी, बहुत भारी है। इन्होंने 13 बार बोला इन्होंने। इतनी वैरायटी साग की होती है कि बनाते बनाते हाथों का तो और उंगलियों का दोनों का कचोर मिलता है। सासू कहती है मैं साफ साफ करके देती हूँ, फिर तुमको बनाने में क्या परेशानी होती है, देखो ये इसका बथुए का साग है, ये मेथी का साग है, इसकी बनाओ मेथी का पराठा बनाओ। सासू जी खाती है, अरे वाह आज तो सासू बहू रानी ने बहुत अच्छा बनाई है, बड़ी चटपटी और बड़ी मसालेदार इसकी साग बनाई है और इसकी परौठी भी बड़ी बढ़िया बनाई है। तो खाके साग को और सासू जी बहुत खुश होती है। सरसों का साग तो सर्दियों का कहना ही क्या, उसके साथ मकई की रोटी और उसके ऊपर गुड़ और गुड़ के ऊपर देसी घी, जब सास को मिलती है तो सास तो बस दुआएं देती देती थकती नहीं है, कहती है भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले, रोज मेरे रोज मेरे को साग बना बना के खिलाती है ऐसी सासू। और जब बहू सुनती है ऐसी सास की बातें तो सास हो गया। लेकिन इस गेम में ना अर्चना जी जीती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सास और साग, है ना। चलिए थैंक यू सो मच। लेकिन ये कही जा सकती है कि बहुरानी जो है ना आपके ग्रुप की बहुरानियाँ, वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्टेड है। चलिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और मस्ती करेंगे। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/zmarudhara और ट्विटर पर twitter.com/z_marudhara और यूट्यूब में youtube.com/user/z_rajasthan या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा हर पल आपके साथ। हाले हाले से केसर की बारिश, विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब, विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। आपका जीवन आपके और आपके अपनों के लिए अनमोल है, इसे सस्ते दामों के खातिर अवैध शराब के हवाले न करें। राज्य में अनाधिकृत रूप से लाई गई और हथकड़ शराब जहरीली हो सकती है जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, इससे मौत भी हो सकती है। याद रखिए आपका जीवन आपके और आपसे जुड़े हर रिश्ते के लिए महत्वपूर्ण है, अपने जीवन से उन्हें खुशियां दें, अवैध शराब का दर्द नहीं। आबकारी विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। 17 अगस्त 2012 जी मीडिया ने किया कोयला घोटाले का पर्दाफाश। 24 सितंबर 2014 सुप्रीम कोर्ट ने जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर, किया 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। धमकी और दबाव के बावजूद अधिग्रहा जी मीडिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। जी मीडिया देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माय स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। स्वागत है आपका लेडीज क्लब में, मैं हूँ महिला जागृति संगठन के बीच और अब यहाँ पर कुछ गाने, कुछ डांस और कुछ मस्ती होने वाली है। शशि जी आप आ जाइए, आप कुछ सुनाने वाली थी कुछ मस्ती भरा। अज होनाए बाल मा सावन बीता जाए रे, हाय रे सावन बीता जाए, चांद को बदरा गलवा लगाए,
चांद को बदरा गलवा लगाए और भी मेरा मन ललचाए, चांद को बदरा गलवा लगाए और भी मेरा मन ललचाए, आई बहार खिले फूलवा, आई बहार खिले फूलवा, मोरे सपने कौन सजाए, आज हुनाए बालमा सावन बीता जाए रे हाय रे सावन बीता जाए। बहुत आवाज है आपकी, थैंक यू सो मच। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। गुरे रंग पिना इतना गुमा निकल, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, ओ गोरे रंग पे ना इतना गुमा निकल, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। थैंक यू सो मच। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे मेरी प्रीत अमर कर दो। याद आ रही है तेरी याद आ
कभी नहीं भरने वाला। मेरे गाल दर्द होने लगे हंस हंस के, लेकिन अभी यहाँ पे समय थोड़ा कम है तो मुझे रुकना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और क्लब के साथ आपको कराऊंगी रूबरू। तब तक के लिए देखते रहिए लेडीज क्लब।